से फेज 8 की तरफ एंट्रेंस का है। अगर आप मेरे लेफ्ट पे देखें तो इस वक्त हम बर्की रोड पे मौजूद हैं और इस वक्त ये गेटेड कम्युनिटी है। गेटेड कम्युनिटी जो Z1 का जो गेट है ये अभी स्टार्ट होने वाला है। आप इसको किसी भी अस्करी की सोसाइटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसकी जो सिक्योरिटी है DHA की दूसरे फेसिस से ज़्यादा अच्छी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इब्रार हुसैन जलमी स्टेट से। आज हम आपको ओवरव्यू कराने जा रहे हैं आईवी ग्रीन DHA फेज 8 का। सिर्फ आप लोगों की सहूलत के लिए इस वक्त मैंने टर्न लिया है ब्रॉडवे की तरफ। हमारे उन नाज़रीन के लिए जिनके जहनों में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आईवी ग्रीन किस तरफ है, क्या वो DHA से बाहर है, वो DHA का हिस्सा है या नहीं है, इस वक्त हम DHA फेज 8 की मेन बुलेवार्ड पे मौजूद हैं। मेरे लेफ्ट पे W ब्लॉक है और मेरे राइट पे T ब्लॉक है। ये सिर्फ हम आपको एक बेंचमार्क दे रहे हैं कि यहाँ से आईवी ग्रीन का फासला कितना होगा और आईवी ग्रीन में रहने वाले और आईवी ग्रीन में इन्वेस्टमेंट करने वाले जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके जहनों में जो सवाल हैं वो क्लैरिटी के साथ चले जाएं। ये प्रॉपर फेज 8 है। यहाँ पे जो 10 मरले के एवरेज रेट हैं वो 2.25 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रुपये तक हैं और जो 5 मरले का रेट है वो 90 से लेकर 1.5-10 लाख रुपये तक है, बल्कि एक्स ब्लॉक में 1.25-30 करोड़ का भी प्लॉट है। हम इस गोल चक्कर से वापस अपनी गाड़ी को घुमाएंगे और आपको अप्रोच जेड ब्लॉक की जो DHA फेज 8 और फेज 6 से है उससे लेके आगे चलेंगे। इस वक्त हम गोल चक्कर D और W ब्लॉक से वापस हमने फेज 6 के मेन बुलेवार्ड की तरफ अपना सफर शुरू किया है। मेरे राइट लेफ्ट पे आप देख सकते हैं कि फेज 8 में इस वक्त डेवलपमेंट पूरे बूम के साथ जारी है और यहाँ पे कनाल के प्लॉट की प्राइसेस पिछले 4 महीने में 10-15% बढ़ी हैं। फेज 8 हमेशा से एक फेवरेट फेज रहा है DHA लाहौर में और अभी तक अपनी उस एक्सक्लूसिवनेस को DHA फेज 8 ने बरकरार रखा हुआ है। सबसे तेज और सबसे रैपिड कंस्ट्रक्शन जो है वो इस वक्त फेज 8 में हो रही है। फेज 8 का अपना एक क्लाइंट होता है जो फेज 8 से बाहर नहीं जाता। अब हमारे वो क्लाइंट जो रहना तो फेज 8 टैग के साथ चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, उनके लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आईवी ग्रीन फेज 8 की। मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट की टीम भी है, वो आपको जाके मौके पे सारी डेवलपमेंट से, रेट से, हर चीज़ से आगाह करेंगे। इस वक्त आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि हम ब्रॉडवे, अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो 4.5 किलोमीटर के बाद ये ब्रॉडवे का चौक आता है। इसके आप राइट की तरफ जाएं तो फेज 6 की मेन बुलेवार्ड है, लेफ्ट भी 6 की मेन बुलेवार्ड है और सामने फेज 7 को रास्ता जाता है। तो हम इसको बेंचमार्क रख लेते हैं इधर से रिंग रोड से अप्रोच का आईवी ग्रीन का। अब हम यहां से शुरू करेंगे अपना सफर आईवी ग्रीन की तरफ। अब हम फेज 6 की मेन बुलेवार्ड पे सब चढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे राइट पे फेज 6 का कमर्शियल एरिया है और हमारे लेफ्ट पे फेज 8 का रेजिडेंशियल एरिया T ब्लॉक और आगे जाके फिर S ब्लॉक आएगा। ये वो मेन बुलेवार्ड है जो DHA के मेन हेड ऑफिस से लेकर बर्की रोड तक बनी हुई है और फ्यूचर प्लान में यही मेन बुलेवार्ड आगे फेज 8 आईवी ग्रीन को अटैच करेगी। वो कुछ वजूहात की बिना पर अभी तक उसका काम शुरू नहीं हो सका, नियर फ्यूचर में यही मेन बुलेवार्ड को वो एक्सटेंड करके फेज 8 के अंदर तक लेके जाएंगे। वो हम आपको आगे वीडियो में चल के बताएंगे कि वो ज़मीनें सारी खाली पड़ी हुई हैं
और जब भी क्लियरेंस मिलेगी डीएचए को तो इसी मेन बुलेवार्ड को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सरे 10 जो रोड मौजूद है वो बरकी रोड से है। ये अब मैंने तकरीबन आधा किलोमीटर का सफ़र हमने शुरू किया है, तो आप ये समझें कि प्रॉपर फेज़ 8 से आईवी ग्रीन तक जाने के लिए आपको 5 से 7 मिनट की ड्राइव दरकार है। ये अभी तक हम फेज 6 की मेन बुलेवार्ड पे जा रहे हैं। आपको राइट लेफ्ट पे फेज 8 है, राइट पे फेज 6 के घर हैं और कमर्शियल एरिया है। अब हम टच कर चुके हैं फेज 6 की मेन बुलेवार्ड, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये आपको सामने जो रोड नज़र आ रही है ये बरकी रोड है, और यहाँ से अगर आप राइट जाते हैं तो फेज 7 को रास्ता है, लेफ्ट को आपकी आगे सोसाइटीज पैरागॉन और सदर आ जाते हैं। हम वापसी भी कोशिश करेंगे कि आप उस रोड से भी अप्रोच दिखाएं। जैसे कि हम आपको पीछे फेज 6 से और भी देते आ रहे थे, इस वक्त हम खड़े हैं उस जंक्शन पे जो फेज 6 से फेज 8 की तरफ एंट्रेंस का है। अगर आप मेरे लेफ्ट पे देखें तो इस वक्त हम बरकी रोड पे मौजूद हैं। मेरे साथ एक्सपर्ट हैं फेज 8 के अजीम साहब, जो हमारी टीम में शामिल हैं फेज 8 की। ये रोड बरकी रोड आपको आगे फेज 7 और आगे उसकी तरफ देखी जाती है जो फार्म हाउस है, पीआरबी की तरफ। अगर आप इस तरफ देखें तो ये पैरागॉन और सदर की तरफ बरकी रोड जो है वो आगे जाती है। जो फेज 8 में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, अगर वो अब सदर को अपना बेंचमार्क समझ रहे हैं, अगर उन्हें सदर से आना है, तो उनके लिए बरकी रोड सदर से लेकर ये भी ड्यूल कैरेज बनी हुई है। जिन्होंने फेज 6 और एयरपोर्ट से आना है उनके लिए ये अप्रोच है, और जो भाई बरकी रोड और इस तरफ से आना चाहेंगे उनके लिए ये अप्रोच है। बाकी हम आपको आगे इंशाल्लाह और भी देते हैं। जो अप्रोच दिखाई बरकी रोड फेज 6 की मेन बुलेवार्ड से, बरकी रोड जो एक तरफ सदर तक जाती है और दूसरी तरफ अफकोर्स बीआरबी तक जाती है। अब हम आ गए हैं मेन बुलेवार्ड पे, जो इस वक्त सड़क मौजूद है, जो अप्रोच है फेज 8 आईवी ग्रीन की तरफ। यहाँ से बरकी रोड से आईवी ग्रीन के जो Z6 तक 2.25 किलोमीटर और Z2 का जो मेन गेट है वहाँ तक 2.25 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। आप हमारे लेफ्ट राइट पे देख सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि फेज 6 जो सीधी अप्रोच बनाने की डीएचई की प्लानिंग है, उसमें ये जो ज़मीनें आपको नज़र आ रही हैं इससे सीधा उनको आगे मैं आपको एक और रोड दिखाऊंगा जिस तक उनको ये बनाने का उनका प्लान है, फेज 6 की मेन बुलेवार्ड को कनेक्ट करके फेज 8 आईवी ग्रीन तक। देख सकते हैं कि हम आईवी ग्रीन तक पहुंच रहे हैं। उन लोगों के लिए जो लोग आईवी ग्रीन की लोकेशन से और इस एरिया से थोड़े आशना नहीं है, इस लेफ्ट साइड पे जितने भी फार्म हाउसेज हैं वो सब एलीट क्लास के फार्म हाउसेज हैं। अभी शायद हमारा कैमरामैन आपको दिखा नहीं पा रहा क्योंकि ये छोटी सी नहर के इनके दरख्त हैं। इसके लेफ्ट पे ये सारे फार्म हाउसेज आईवी ग्रीन के सामने फार्म हाउसेज बनी हुई हैं, और मुस्तकबिल में जो आईवी ग्रीन की अप्रोच है वो एक तो जो बीआरबी के साथ रोड बन रही है उसके साथ भी इसकी कनेक्टिविटी है, जो 6-वे कैरेज रोड बनने जा रही है रावी से लेकर कसूर तक, वो भी आईवी ग्रीन की इम्पोर्टेंस को बढ़ा देगी। और फ्यूचर में हमारे लेफ्ट पे जो आपको ज़मीनें नज़र आ रही हैं, ये इतलात हैं कि यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर मुस्तकबिल करीब में कोई सोसाइटी लॉन्च करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये साफ सुथरी अप्रोच है, यहाँ पे कोई किसी किस्म की
हिंड्रेंस कोई नहीं है, और अब आपको मेरे सामने बोर्ड नजर आ रहा होगा, यहाँ से हम आपको दोबारा ओवरव्यू देंगे। ये आईवी ग्रीन के हम टच कर रहे हैं, ये आपको बोर्ड से अंदाजा हो रहा होगा। अभी हम आपको लेके चलेंगे जो पहली अप्रोच है आईवी ग्रीन की, जेड ब्लॉक की। बहुत सारे लोगों को, जो पुराने लोग काम करते हैं या जो आईवी ग्रीन इन्वेस्टमेंट को, पता होगा कि ये अप्रोच पहले बंद थी, डीएचए ने ये जमीन एक्वायर करके तो ये अप्रोच की है, और ये मेन अप्रोच नहीं है। मेन अप्रोच हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। हमारे कैमरामैन भाई अगर राइट लेफ्ट पे इसको कर सकें कैमरे को, तो ये आप देख सकते हैं कि ये Z6 में पोजीशन होने के बाद ये पहली बिल्डिंग है जो शुरू हो चुकी है। अभी हम Z6 के कमर्शियल से Z6 के रेजिडेंशियल में इंटर हो रहे हैं। इसके बाद हम कहीं रुक के आपको जो मौके की डेवलपमेंट है, वो जो हमारे एक्सपर्ट है मेरे साथ अजीम साहब हैं और शेख साहब हैं, जो जलमी स्टेट में सिर्फ आईवी ग्रीन और फेज 8 का काम करते हैं, वो आपको ओवरव्यू देंगे Z6 और इसके साथ जो मुलाका ब्लॉक्स हैं उनके बारे में। इस वक्त हम मौजूद हैं फेज 8 आईवी ग्रीन के जेड ब्लॉक में, और मेरे साथ मेरी टीम के दो होनहार बच्चे जो स्पेशलाइज करते हैं फेज 8 आईवी ग्रीन में और फेज 8 प्रॉपर में। वकास मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद है अजीम। तो अब मैं चाहूँगा कि ये फेज 8 आईवी ग्रीन के हवाले से, पर्टिकुलर जहाँ पे हम खड़े हैं Z6 के हवाले से, हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें। तो वकास आप बताइए कि इस वक्त Z6 में रेट्स की क्या सूरत हाल है, और घर बनने की रफ्तार और बाकी चीज़ें डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है इस वक्त? सर, इस वक्त हम बात करें Z6, तो Z6 में कनाल के जो रेट्स हैं Z6 में 2,10,00,000 से लेके 2,45,00,000 तक हैं। अगर हम 10 मरला की बात करें तो 10 मरला के रेट जो हैं वो 1,45,00,000 से लेके 1,75,00,000 तक हैं। और अगर हम 5 मरला की बात करें तो 5 मरला में जो प्लॉट्स हैं वो 82,00,000 से लेके 95,00,000 तक हैं, और 7 मरला की जो कटिंग है वो सिर्फ एक ही पट्टी है, उसका रेट जो है वो 120,00,000 से लेके 125,00,000 तक है। तो बाकी जो प्लॉट्स हैं, सर जी कमर्शियल की बात करें, कमर्शियल हमें जो पोजीशन कमर्शियल है जिसमें कॉर्नर भी आ जाते हैं, आल प्लॉट्स आ जाते हैं, वो हैं 2,70,00,000 से लेके 350,00,000 तक जो हमारे रेट्स हैं इस वक्त। ये वकास साहब थे हमारे फेज 8 आईवी ग्रीन के एक्सपर्ट। अब हमारे साथ दूसरे हमारे एक्सपर्ट अजीम हैं, तो इनसे हम सवाल को थोड़ा स्विच करते हैं। अजीम अगर आप मेरे साथ आ जाएं, थोड़ा सा स्विच ये करते हैं कि अजीम इस वक्त आप लोगों को क्या कहेंगे कि लोग फेज 8 या प्रॉपर से निकल के फेज 8 आईवी ग्रीन में क्यों इन्वेस्टमेंट करें? वजह क्या है? रेट्स वजह है, अप्रोच वजह है, या आप क्यों सजेस्ट करेंगे लोग आईवी ग्रीन में क्यों इन्वेस्टमेंट करें? और खासकर Z6 में आप क्या समझते हैं कि इस वक्त घर बनाने वाले के लिए आइडियल टाइम है, बाकी रेट्स को देख करके वो यहाँ पे अपना घर बनाए और या घर बनाने के लिए प्लॉट ले? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीम है। मुझसे ब्रार साहब ने ये सवाल किया है कि फेज 8 आईवी वाई ग्रीन में इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, और मैं आपको अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो प्राइजेस हैं 5-10 मल्ला और कनाल की, आप पूरे DHA के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर सबसे कम प्राइजेस हैं। और जिन लोगों का घर बनाने के लिए बजट कम है, 1.5 करोड़ के अंदर अंदर जो 5 मल्ले का घर बनाना चाहते हैं, वो इस जगह पर घर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लॉट की जो कीमत है 5 मल्ला की, वो आपको प्लॉट 85,00,000 तक मिल जाता है, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालें तो 50-60,00,000 में आप ऊपर घर बना लेते हैं। यहाँ पर घर बनाने के लिए भी ये सोसाइटी आइडियल है, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये सोसाइटी आइडियल है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक गेटेड कम्युनिटी है। यहाँ पर आप इसको किसी भी अस्किरी की सोसाइटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसकी जो सिक्योरिटी है DHA की दूसरे फेसिस से ज़्यादा अच्छी होगी। अभी अजीम साहब हमारे जो और वकास साहब थे, उन्होंने आपको फेज 8 के आईवी ग्रीन के Z6 के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। Z6 में इस वक्त पूरे Z6 में पोजीशन मौजूद है, और यहाँ पे आप घर बना सकते हैं। उन्होंने अपनी जो ओपिनियन दी है वो बिल्कुल ठीक है कि 5 और 10 मरले वाले जिनका बजट कम है, उनके लिए घर बनाने और इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेहतरीन फेज़ है। अब हम टच कर रहे हैं सामने वाले Z3 को,
Z3 बिल्कुल हमारे सामने Z3 है जैसा कि आप देख सकते हैं, और उसके राइट पे Z4 है। ये नॉन पोजेशन एरिया है, यहाँ पे प्लॉट की प्राइसेस 5 मरले की 60 लाख से लेकर 70 तक हैं, और 10 मरले की प्राइसेस 1 करोड़ 15 लाख से लेकर 1 करोड़ 35 लाख 40 लाख तक हैं। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग, आपको नज़र भी आ रहा होगा, बारह कैमरामैन दिखा सके कि सामने डेवलपमेंट जारी है। जो जो भी एरियाज DHA की तरफ से अभी तक ऑक्यूपाई नहीं हो सके थे, उन्होंने एक्वायर नहीं किए थे, वो एक्वायर कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगा कि वो राइट लेफ्ट, अब आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमारे राइट पे Z6 है जहाँ पोजेशन है, और यहाँ पे मिनिमम 10 मरले का प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए और मैक्सिमम 1 करोड़ 80 लाख रुपए है, और हमारे लेफ्ट पे Z3 है, और अब हम Z5 की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे अभी पोजेशन नहीं है, और यहाँ पे रेट जो है वो 1 करोड़ 20 से लेकर 1 करोड़ 40 लाख तक है। तो यू कैन इमेजिन कि जब यहाँ पे पोजेशन आएगा तो जो रेट है वो बराबर हो जाएंगे, और Z6 वाला एरिया जो है वो 2+ में चला जाएगा, और ये 1.5 से 2.5 की वैल्यू में आ जाएंगे। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो नाजरीन जो देख रहे हैं, इतने बजट में पूरे फेज DHA लाहौर में आपको 5-10 मरले और 1 कनाल का प्लॉट नहीं मिलता। ये लेफ्ट पे आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है, ये कुछ एरियाज हैं जो DHA अभी क्लियर कर रहा है। इंशाल्लाह होपफुली साल तक, जो मुझे मेरे एक्सपर्ट बच्चे हैं ये बता रहे हैं कि साल तक पोजेशन हो जाएगा। ये ओवरव्यू हम आपको फेज़ 8 आईवी ग्रीन का दे रहे हैं। ये आपके लेफ्ट पे सारा जो एरिया है ये पोजेशन है। आज हम पोजेशन एरिया की ज़्यादा आपको डेवलपमेंट दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं वाटर टैंक्स, ये DHA का ऑफिस है, साइट ऑफिस है जहाँ से सारी चीज़ें ये कंट्रोल होती हैं। इस वक्त अब 100 फिट रोड पे आ गए हैं Z1 और Z6 के दरमियान। ये लेफ्ट पे अब Z6 है और राइट पे हमारे Z1 है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ की डेवलपमेंट किसी भी तरीके से डिफेंस के किसी भी फेज से कम नहीं है, लेकिन प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइसेस हैं जो इस वक्त चल रही हैं पूरे डिफेंस में, 5-10 मरले और 1 कनाल। ये रोड बाइफिकेट कर रही है Z6 को और Z1 को। ये अब हम रोड पे आ गए हैं, जिस रोड के हमारे लेफ्ट पे Z1 जो कि पोजेशन है। लेफ्ट में मेरा कैमरामैन भाई आपको दिखाए कि ये घर बन रहा है, 1 कनाल के 2 घर बन रहे हैं। हमारे राइट पे Z2 है, Z2 भी ऑलमोस्ट सारा पोजेशन है। इस वक्त हम मेन बुलेवार्ड पे आ रहे हैं और हम आपको लेके जा रहे हैं जो मेन अप्रोच है आईवी ग्रीन की। ये आप देख सकते हैं, ये 200 फिट वाइड रोड है। ये हमारे राइट पे और लेफ्ट पे कमर्शियल है, 8 मरले का, उसके पीछे 4 मरले का ग्रेजुअली। ये आप घर देख सकते हैं कि किस रफ्तार से ये 10 मरले के घर Z1 में बन रहे हैं, इसी तरह Z2 में भी कंस्ट्रक्शन जो है वो पार्शली शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम आ गए हैं फेज 8 आईवी ग्रीन की मेन बुलेवार्ड पे। हमने अपना सफ़र शुरू किया था फेज 6 से, और चूंकि ये अगर मेरा कैमरामैन लेफ्ट की तरफ दिखाए तो ये वही रोड है जिस रोड पे हम चढ़े थे बरकी रोड से, जो मेन बुलेवार्ड है आईवी ग्रीन फेज 8 की। यहाँ पे गेट के काम शुरू होने वाला है मेन गेट का, जिसकी वजह से ये अप्रोच DHA ने आपको नज़र आ रहा होगा बैरियर लगा के बंद की हुई है, और ये वो मेन बुलेवार्ड है जो आगे 200 फिट मेन बुलेवार्ड आगे Z1 Z2 और यही रोड आगे फिर Z3, 4, 5 को जाएगी। तो इस वीडियो के आखिर में जो हमारे फेज 8 आईवी ग्रीन के एक्सपर्ट हैं वकास साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा आपको, आज ये पर्टिकुलर वीडियो हम बना रहे हैं सिर्फ Z6, Z1 और Z2 के बारे में जहाँ पे पोजीशन है। तो ओवरऑल मैं वकास से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको रेट बताए, अप्रोचेस का आपको बता दिया, डेवलपमेंट आपने देख ली है कि Z1, Z2 में और Z6 में घर बन रहे हैं। तो शेख साहब आपको एक ओवरव्यू देंगे Z1 और 2 के रेट्स के हवाले से। जी वकास भाई जी, इस वक्त हम खड़े हैं Z1 के 150 फीट रोड पे,
और जहाँ पे 10 मरला के घर बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं। और अगर हम बात करें इधर Z1 की, तो Z1 में 10 मरला के घर जो हैं ये स्टार्ट हो चुके हुए हैं, और इस वक्त हम मेन रोड जो गोल चक्कर है उस उधर खड़े हैं। और इधर Z1 में कनाल के जो रेट हैं, कनाल के रेट जो हैं वो 195 से लेके 200 से लेके तकरीबन 2,20,00,000 तक, मतलब हमें प्लॉट अच्छी लोकेशन का मिल जाता है। और इस वक्त ये गेटेड कम्युनिटी है, गेटेड कम्युनिटी जो ये Z1 का जो गेट है ये अभी स्टार्ट होने वाला है। और इस वक्त बात करें अगर Z1 के गेट की, तो इसी वजह से क्लोज़ किया गया है कि यहाँ पे गेट का काम स्टार्ट होने वाला है जी। तो ये था हमारा आज का फेज़ 8 आईवी ग्रीन का पूरा व्यू, ये हमने ख़ास आपके लिए प्लान किया। जो लोग आईवी ग्रीन के, बहुत सारे सवाल थे लोगों के जहन में जो हमारे क्लाइंट्स हैं कि आईवी ग्रीन क्या है, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो, हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन जो मेरे साथ हमारे टीम के मेंबर थे, उनकी वजह से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम यहाँ पे खड़े थे तो 2-4 लोकल से हमारी मुलाकात हुई है। ये आपको जो भी लिटिगेशन और जो भी आपको थोड़े बहुत गांव और डेरे नज़र आ रहे हैं, ये अगले 5-6 महीने में क्लियर होने चाह रहे हैं। तो फेज़ 8 इज़ दी प्लेस टू इन्वेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चलनी स्टेट को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you.